देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। हर साल दुनिया भर में 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के बीच होने वाली झिझक को खत्म करना और मासिक धर्म के दौरान आने वाली चुनौतियों के प्रति अवेयर करना है। इस पहल की शुरुआत साल 2014 में जर्मनी के वॉश यूनाइटेड नामक एक एनजीओ ने की थी, जिसके बाद इसे हर साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के तौर पर मनाया जाने लगा। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। आम तौर पर महिलाओं के मासिक धर्म 28 दिनों के भीतर आते हैं, इसी कारण इस दिवस के लिए 28 तारीख चुनी गई। मासिक धर्म को लेकर अलग अलग धर्मों में कई तरह की मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में मेंस्ट्रुअल के दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवों के राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसका समाधान करते हुए विष्णु जी ने उन्हें पेड़, पानी, जमीन और नारी में बांटने की सलाह दी, जिसके अनुसार महिलाओं पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। यही कारण है कि इस दौरान उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना जाता है। इस्लाम धर्म की पाक कुरान के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं का कुरान छूना और मस्जिद में जाने पर मनाही होती है। महिलाओं और लड़कियों के बीच पीरियड्स को लेकर लोगों की चुप्पी तोड़ने के लिए सरकार कई जागरूकता अभियान चला रही है। 90 के दशक से ही भारत सरकार महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड के प्रचार प्रसार में लगी है। साल 2010 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 20 राज्यों के 152 जिलों में फ्री पैड योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को कम दर में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाने लगे। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 243 किशोरों के साथ मिलकर राष्ट्रीय किशोर स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता को भी शामिल किया गया। बता दें कि 2018 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म पैडमैन ने लोगों के बीच पीरियड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर की इस फिल्म ने लोगों की सोच बदलने में काफी मदद की, जिसके बाद सैनिटरी पैड को टैक्स फ्री कर दिया गया। फिलहाल समाज में मासिक धर्म को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना होगा, न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिक को भी इसके प्रति सहयोग देना होगा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।